वेलकम टू पीआरजी कॉमेडी शो और मैं हूं आपके शर्मिष्ठा मकवाना, होस्ट कम दोस्त ज्यादा। एक बार एक क्लास में एक मैडम ने बोला कि जो एक बार पाठ याद करेगा उसको हाथों पे एक किस मिलेगी, दो बार पाठ याद करेगा उसके दोनों गालों पे एक किस मिलेगी। तो पीछे से एक गुलाब जैसा शैतान लड़का बैठा था, उसने बोला मैडम की तरफ कॉपी फेंक के बोला कि मैडम खाट सजा ले, तेरा यार ने ना पूरी किताब याद कर ली है। पति ने एक बार अपनी बीवी को बोला कि जानो भूख लगी है, खाना बना लो। तो बीवी बोली थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी फेवरेट सीरियल नागिन देख रही हूँ। तो पति बोला जानू खुद की शक्ल ही आईने में देख ले, नागिन से कम है क्या। तो लो इसमें बेलन से मारने की कहाँ जरूरत है। एक बार वर्मा जी ने शर्मा जी से कहा कि क्या बताऊं शर्मा जी, आपके बेटे ने तो ऐसी पेंटिंग रोड पे बनाई थी 500 की नोट की कि चलते हुए स्कूटर से लेने की कोशिश की तो मेरे नाखून घिस गए। तो शर्मा जी बोला क्या बताऊं वर्मा जी, मेरे बेटे ने तो इलेक्ट्रिक बोर्ड पे करीना कपूर की ऐसी फोटो बनाई कि मेरे होठ ही जल गए। जिंदगी एक जंग है जब तक बीवी संग है। राधा से प्यार हुआ तो श्याम बन गए, सीता से प्यार हुआ तो राम बन गए, जबरदस्ती प्यार किया तो आशा राम बन गए, चुपके से प्यार किया तो राम रहीम बन गए, और प्यार नहीं किया तो बाबा रामदेव बन गए, और प्यार करके छोड़ दिया तो पीएम बन गए। सांप और पति दोनों के नसीब एक जैसे होते हैं, साल में एक बार पूजा होती है, बाकी के दिनों में लठ खाते रहते हैं। भारत की महिलाओं पर हमें गर्व होना चाहिए, भूखी रह लेगी प्यासी रह लेगी पर चुप बिल्कुल नहीं रहेगी। जब है ना मेहमान घर पे आते तो उनके लिए ना चाय बिस्कुट वगैरह कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, मतलब परोसते हैं, तो बच्चों की नज़र यूँ ही रहती कि कब जाए कब खाए कब जाए कब खाए कब जाए। ठीक है, तो जैसे मेहमान उठ के ना बच्चे के पास जाता है और बोलता है कि और बेटा आगे जाके क्या करोगे आप, तो बच्चा बोलता है कुछ नहीं, आप जाओगे तो ये चाय बिस्कुट नमकीन पड़ेंगे वो खाएंगे, बाकी मिठाई तो आपने छोड़ी नहीं है, सब चेप गए। बेचारा पति जब भी देखता, पति उधर उधर घूमती रहती है, वो इधर वो चापलूसी जो भी है जो करती रहती थी, ठीक है, तो पति ने बोला कि पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती, जाके ब्लू वेल गेम खेल। तो पत्नी बोली मैं तो बचपन से ब्लू वेल गेम खेल रही हूँ, आपके साथ शादी करना ही मेरा लास्ट टास्क था। जेठालाल अपनी बीवी से बोलता है कि दया रात को फोन चार्जिंग में लगा के मत सोया कर, कभी ब्लास्ट हो जाएगा। तो दया बोलती है टपू के पापा आप है ना उसकी टेंशन मत किया करो, मैंने फोन में से ना बैटरी निकाल दी है। दो चूहे बाइक पर घूम रहे थे, तभी एक शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी, तो तुरंत ही चूहे के बच्चे ने बोला कि देख फिर तेरी माँ कहेगी कि गुंडों के साथ घूम रहा है। एक चूहा शराब के टैंक में गिर गया, टोल हो के बाहर आया और सोती हुई बिल्ली के मुंह पे लात मार के बोला चले छमिया मुजरा देखा चुलबुल पंडे आया है। पति ने अपने पत्नी को बोला कि तुमसे शादी करके मुझे एक तो फायदा हुआ है। पत्नी शर्माते हुए बोली बताइए ना क्या फायदा हुआ है। पति ने बोला कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। एक महिला कपड़े खरीदने गई, दुकानदार ने पूछा बताओ मैडम कैसा सूट दिखाऊं, तो महिला बोली कि पड़ोसन तड़प तड़प के दम तोड़ दे ऐसा सूट दिखाओ। एक बच्चा दुकान में आता हूँ और दुकानदार से पूछता है अंकल गोला होने की क्लीम है का, तो अंकल बोलता है हाँ है ना बेटा, तो ताले लगाता क्यों नहीं है, लो जाते ही दल जाता हूँ।